के प्रभारी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके और हमारे हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए, कांग्रेस को हरियाणा मजबूत करने के लिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितनी धरातल पे एक एक जगह पहुंचकर मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक महासचिव, देश के, मैं समझता हूं कि कांग्रेस में मेरे को भी कई वर्ष हो गए, इस तरह से किसी प्रभारी को मैंने धरातल पे मेहनत करते हुए नहीं देखा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे आदरणीय दीपक बावरिया जी, हमारे और आपके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, जन जन की आवाज। और सही कहा अभी जयप्रकाश जी ने कि जब उनके हाथों में प्रदेश की कमान आई, हम केंद्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करते, जिम्मेदारी जब चौधरी उदय भान जी के कंधों पे सौंपी गई, उसके बाद आदमपुर चुनाव में जो बिगुल बजा, वहीं से एक बात स्पष्ट हो गई कि हरियाणा की छत्तीस बिरादरी हर वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ चुका है। आदमपुर के चुनाव का जब नतीजा आया, थोड़ी बहुत वोट से भाजपा जीत जरूर गई, लेकिन उस नतीजे ने साफ कर दिया था कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आदमपुर में जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेहनत करी, शत प्रतिशत ऐसी बहुल्य बूथों पर आदमपुर में पहली बार जीत हुई बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी की, और हर वर्ग में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा। और आपके नेतृत्व में पिछले दो साल से, ये भी एक इतिहास लिखा जाएगा, पिछले दो साल से 40 से ज्यादा पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, एक मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए दो वर्ष के, और हमारा छोटा सा प्रदेश है 90 की हमारी विधानसभा है, और 40 वहां पे शामिल हो जाएं भाजपा जितपा छोड़कर, तो कितना बड़ा कारोबार। ये तो केवल, इसके अलावा असंख्य सैकड़ों दूसरे दलों के पदाधिकारी और कई तो ऐसी पार्टियां हैं जो इन दो वर्षों में चौधरी उदय भान जी आपके नेतृत्व में, वो जो पार्टियां हैं, वो जो डबल इंजन कहते थे, उनके इंजन इंजन बचे हैं, सारे डब्बे शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में। तो हम आपको बधाई देते हैं। हमारे बहुत ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में जिन गिनती है, मेरे साथ सांसद हैं, साथ ही सांसद हैं, और जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये आज कह रहे थे अभी एक बात, जयप्रकाश जी ने कही एक बात कि 2004 में जो हिसार से वो जीते थे, तो मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश जी जब हिसार से आप जीतते हो, पिछली बार जब आप जीते थे 10 साल तक कांग्रेस सरकार आई थी, तो ये शुभ संकेत है, तो ये शुभ संकेत है हिसार से जो आपकी जो जीत है। अब इस बार मैं समझता हूँ कि भैये जो है आप दूसरी बार वहां से ये बता रहे हैं, तो ये कम से कम 20 साल के तक कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। तो हिसार का आपका जो है आपने बात बताई, हमारे साथी सांसद आप उनको बधाई देते हैं, पहली बार पहुंचे हैं देश की संसद में, हमारे मेरे भाई वरुण मुलाना जी, हमारे साथी सांसद जो सोनीपत से आपने चुन के पहली बार भेजा, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हमेशा, जिनका हमेशा मार्गदर्शन आशीर्वाद मुझे और आपको मिला है, जिनसे हमें सीखने को मिलता है, आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, सभी हमारे मंचासीन, सारे प्रदेश के हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, बहुत सी, क्योंकि एक एक आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, सभी आदरणीय सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, और सारे कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, साथियों, आज मुझसे पहले सबने, खास तौर पे अध्यक्ष जी ने विस्तृत जानकारी आपको इस प्रोग्राम के बारे में दी, जिसकी लॉन्चिंग 2-3 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई थी चंडीगढ़। लेकिन उससे पहले मैं भी, क्योंकि ये सही कहा कि आज फुल हाउस की मीटिंग,
पीसी की डेलीगेट की पीसीसी की फुल हाउस की मीटिंग इस चुनाव के नतीजे के बाद पहली बार ये मीटिंग है, तो मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दूं। ये जीत आपकी जीत है, ये जीत आपकी मेहनत की जीत है, जो दिन रात आपने संघर्ष किया ये उसकी जीत है। पिछले 10 वर्षों से आपका एक एक संघर्ष, आपके एक एक संघर्ष को हम याद कर रहे हैं। ये आपके संघर्ष की जीत है कि आज जब चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, तो हम देखते थे कि देश की संसद में, जब मैं राज्यसभा में आखिरी सत्र में था, तो उस समय बड़ा एक मुद्दा आया, उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा भी भाजपा ने हर तरह की जाति धर्म भाषा भूषा पे देश में आपस में भाई को भाई से के सामने खड़े करने के बाद दक्षिण बनाम उत्तर का मुद्दा भी छेड़ दिया था, और कह रहे थे कि आपकी पार्टी, तो जब नतीजा आया तो देश में सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन की अगर वोट कहीं आई, कांग्रेस पार्टी की वोट कहीं आई, तो वो दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में नहीं, वो दिल्ली के तीन तरफ बसे हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा 47.6% वोट आपके, और 20% का इजाफा, उन लगभग 20%, 19.7% वोट का इजाफा 2019 के मुकाबले में। साधारण नतीजा नहीं आया हरियाणा से, हम 5 लोकसभा सीट हम 5 जीते हैं, मगर स्पष्ट संकेत है 90 की 90 विधानसभाओं में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और भाजपा के वोट प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई। 10 के 10 लोकसभा सीटों में जहां कहीं किसी कोई कसर रह भी गई, रावदान सिंह जी बैठे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में, वहां भी कांग्रेस के मत प्रतिशत में 21% की बढ़ोतरी 2019 के मुकाबले भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर भी हुई। तो एक साफ संकेत लोगों ने दिया आने वाले समय में, ये एक साफ कर दिया लोगों ने कि हरियाणा से भाजपा की सरकार जा रही है, और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही, एक सब संकेत लोगों ने दिया है और उसको आगे। मगर अब हमारी जिम्मेदारी, लड़ाई बहुत लड़ी है 10 साल आपने, हमने मिलकर बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया दिल्ली में जिस सरकार से, जिस तानाशाही अहंकारी और प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकार से, कोई टकराने से कतरता था, कोई आवाज उठाने से बचता था, उससे अगर टक्कर भी ली तो हरियाणा के लोगों ने टक्कर ली एक के बाद एक। 10 साल का संघर्ष या तो सड़कों पे रहे या इस संघर्ष में, तो 10 साल का ये संघर्ष रहा, और इस संघर्ष के बाद अब इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जब 10,000 मीटर की जब रेस हो, 10,000 मीटर की रेस, उसमें जब आखिरी जब 50-100 मीटर की बारी रह जाए, कितने दिन रह गए चुनाव में, हैं कितने रह गए, 80 दिन। तो आप ये मानना कि 10 साल का जो संघर्ष आपने किया है, आज देश में कांग्रेस पार्टी को सबसे मजबूत आज हरियाणा बनाने का काम आपने किया 10 साल के संघर्ष के बाद। ये 10,000 मीटर की दौड़ थी, और इस 10,000 मीटर की दौड़ में आप बहुत आगे हो भी भाजपा से, जो धावक दौड़ रहा हो वो पीछे मुड़ के देखे और दिखाई ना दे, मगर जीत तब होगी जब ये आखिरी 80-85 मीटर जो बचे हैं भाई, 80-85 मीटर संभल के चलना पड़ेगा, मजबूती से चलना पड़ेगा ये 80-85 मीटर, क्योंकि जो आपके जिसके साथ आपकी रेस है वो, उनको पता है वो चुनाव हार रहे हैं, तो वो आखिर में वो शाम दाम दंड भेद हर तरह से उनकी कोशिश होगी कि भाई ये जो आगे रेस में आगे निकल गए, कैसे इनका पांव फिसले, कैसे ये, तो भाई 10,000 मीटर की रेस में आप बहुत आगे हो, ये 60-70-80 मीटर की अब डिस्टेंस बाकी है, इसमें मजबूती से चलना होगा, और जो संघर्ष किया 10 साल उसको याद करके दिन और रात इन 80 दिनों में आपको और हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई इस मेहनत के लिए आप तैयार हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और सबको लगना होगा, बहुत से साथी हैं जो चुनाव में प्रत्याशी के रूप में
अपना प्रयास कांग्रेस पार्टी की उसके लिए करेंगे। बहुत से साथी हैं, मगर उनसे बहुत ज्यादा साथी ऐसे हैं जो केवल ये चाहते हैं कि प्रदेश में बदलाव। कांग्रेस से बहुत कार्यकर्ता हैं, सबको मिलजुल कर इसमें चलना होगा। ये डोर टू डोर का प्रोग्राम भी जो दिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, इस डोर टू डोर के कार्यक्रम में भी सबको लगना होगा, सबको जुटना होगा। केवल ऐसे नहीं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट के जो इच्छुक हैं हमारे, केवल वही डोर टू डोर कर रहे, ऐसा भी नहीं। सबको मिलके लगना होगा। मंजिल निकट है, मंजिल नजदीक है, मंजिल पहुंच चुकी है। एक बार ये थोड़ी मेहनत और कर आप करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसमें प्रोग्राम पे मैं कहना, प्रोग्राम पे यही मैं कहूंगा, जो कार्यक्रम के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम आया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सुझाव से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये कार्यक्रम को हरियाणा के अंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। और इस कार्यक्रम का जो नाम है वो हरियाणा मांगे हिसाब, वो उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बात बता दी कि भाई वो सारी बातें क्या हैं जिन पे हम हिसाब मांगे। हरियाणा 10 साल का हिसाब मांग रहा है, हरियाणा कुल मिलाकर हरियाणा का भट्टा क्यों बिठा दिया, इसका हिसाब तो मांगना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब, मगर इसमें नारा एक और मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँ जो जोड़ा जाए कि हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही है आस। हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं हरियाणा के लोग। आप किसी से बात करो क्योंकि कांग्रेस से ही आस है। इसको लेके जाएंगे, इसके तीन इसके पहलू हैं इस कार्यक्रम के डोर टू डोर के। कि पहला तो ये जो 15 प्रश्न है जो इनके मामले में हम कांग्रेस बीजेपी की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं, उन प्रश्नों को लोगों के हर दरवाजे पे लेके जाएंगे। दूसरा, हम अपने संकल्पों से लोगों को अवगत कराएंगे जो घर घर कांग्रेस में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में जैसे आपने किया था। और तीसरा, सभी से सुझाव लेंगे। जो सुझाव ये जो आगे आप बॉक्स देख रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से ही आस, इन जो है जो भी सुझाव पेटी हैं, इन पेटियों के माध्यम से जो हमारे मैनिफेस्टो के लिए लोगों की जो आशाएं उम्मीदें हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो कांग्रेस की सरकार बने तो जो लोग देखना चाहते हैं कि हरियाणा किस रूप में आगे जाए या प्रदेश के लिए हर वर्ग की हर व्यक्ति की आशाएं उम्मीदें हैं, सब चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने और वो आगे हरियाणा को एक स्वर्णिम काल की तरफ लेके जाए। तो उन सबसे सुझाव एकत्रित करने की भी जिम्मेदारी आपकी। जो मैं समझता हूं कि आज कुछ जो सुझाव वाहन हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सारे जिलों में जाएंगे, उन सुझाव वाहनों में इस तरह की पेटियों के माध्यम से आप लोग भी डोर टू डोर के माध्यम से अपने जितने सुझाव इकट्ठे कर सकते हैं लोगों के वो आप देना, ताकि ये 15 अगस्त तक जब ये कार्यक्रम चलेगा तो इन सारे सुझाव को हमारी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, गीता जी यहाँ बैठी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हो सके यथा संभव उनको स्थान मिले। तो ये तीनों उद्देश्य लेकर ये डोर टू डोर होगा, बीजेपी के ऊपर प्रश्न भी, अपने संकल्प भी और लोगों के सुझाव भी। इस डोर टू डोर में इस कार्यक्रम को करने के लिए जैसे कभी भी कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम आया, हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जहां भी मेरी जिम्मेदारी लगी, कोई भी इन पिछले 20 वर्षों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई भी कार्यक्रम आया हो या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कभी दिल्ली में कोई रैली की बात हो या कहीं देश के किसी कोने में जाके पहुंचने की बात हो, हमेशा आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने भी अपनी ओर से हमेशा कोशिश करी है। और ये जो कार्यक्रम आया है और आपका सहयोग रहा है, दिल्ली की तो रैलियों में आपके ज़्यादा किसका सहयोग रह सकता है, तो ये जो कार्यक्रम आया है मैं भी अपनी तरफ से, आप तो करेंगे लेकिन मैं भी आज ये कहना चाहता हूँ, मैं भी अपनी ओर से 90 की 90 विधानसभा प्रदेश के कोने कोने में पहुँच कर इस कार्यक्रम को लेकर मैं आगे आपके साथ मैं पहुँचूँगा। हर विधानसभा में, प्रदेश के हर कोने में जहां आप बुलाएंगे मैं हर जगह पहुंचूंगा। जो कार्यक्रम का रूप होगा वहीं से जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तय करें, वहां पर उस विधानसभा में छोटी लघु पदयात्रा नगर फेरी भी हो सकती है। ये कई विधानसभाओं में जहां से कल से हम शुरू कर रहे हैं करनाल से, वहां पे तय किया गया है। किसी विधानसभा में अगर सभा की जरूरत है, कुछ गाँव को कवर करने की जरूरत है कि 2-3 पॉइंट बनाकर कि 2-3-4 सभा हो जाए, अलग अलग गांव कवर हो जाए, तो वहां गाड़ी से वो भी कवर कर लेंगे। लेकिन हर जगह पहुंचकर
कोई भी रूप रहेगा इस अभियान का, हर जगह पहुंचकर, ताकि डोर टू डोर अभियान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी चलूं। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जो है डिस्ट्रिक्ट्स में इस कार्यक्रम को एक महीने तक आप लोग इसको चलें। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं बना लूं अपना प्रोग्राम? आपका साथ हो तो बना ले, आप बताइए प्रोग्राम। तो यही जो है, तो आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर इंतजार करी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी।